गोंदिया जिले के सघन वन परिक्षेत्र में 22 सितंबर को वन परिक्षेत्र नागझिरा अभयारण्य अंतर्गत सवन क्षेत्र नागझिरा संकुल नियत क्षेत्र नागझिरा एक कक्ष क्रमांक 96 में मंगेजरी रोड नागदेव पहाड़ी परिसर में एक 9 से 10 वर्ष का टाइगर मृत पाया गया, जिसके बाद वन अधिकारियों द्वारा बाघ के शव का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीट रक्षक JS केंद्र नागझिरा वन अपनी टीम के साथ नियमित कश पर थे। इसी दौरान एक नर बाघ मृत अवस्था में दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी बीट रक्षक केंद्र ने तत्काल वरिष्ठ वन अधिकारियों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही जयराम गौड़ा उपवन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया, राहुल गवई उप संचालक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र साकोली, MS चौहान सहायक वन संरक्षक नागझिरा वन्य जीव अभयारण्य साकोली, VM भोसले वन परिक्षेत्र अधिकारी नागझिरा वन्य जीव अभयारण्य साकोली घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। प्राथमिक जांच में दो बाघों के बीच अस्तित्व की लड़ाई में बाघ की मृत्यु हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया के तहत गठित समिति ने घटनास्थल और मृत बाघ का निरीक्षण किया। इस समिति में मानद वन्य जीव रक्षक व प्रतिनिधि सावन बहेकर, भूपेश निम्बाते, छत्रपाल चौधरी, डॉक्टर शीतल वानखेड़े, डॉक्टर सौरभ कौठे, डॉक्टर समीर शेंद्रे, डॉक्टर उज्जवल बावनथड़े शामिल थे। समिति के समक्ष मृत बाघ का शव विच्छेदन किया गया और विसरा का नमूना एकत्र किया गया। इसके बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले की जांच उप संचालक राहुल गवई के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी VM भोसले कर रहे हैं।